अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। फारूक भाई, ये जो आजकल महंगाई हुई हुई है जी, ये आप हेयर कटिंग के क्या रेट ले रहे हैं? हेयर कटिंग हमारा है बच्चों के हैं 130 और बड़ों के हैं 150 जी। तो ज़्यादा नहीं ले रहे कुछ आप? ज़्यादा क्या ले रहे भाई, आप महंगाई देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, ये कहाँ तक पूरा होगा ये आप बताइए। ये तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा। आप आगे जाएं तो बहुत कटिंग के रेट है, मैं क्या इलाके की दुकान है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 साल हो गए यहाँ पर, फैमिली ट्रम से, मगर जो भी मोहब्बत में कोई दे देता है जिद वाली बात नहीं करता हूँ मैं, ये अल्लाह पाक का इनाम है। और आगे जो महंगाई होने जा रही है तो आप क्या पैसे बढ़ाएंगे हेयर कटिंग के? वक्त और हालात को देखते हुए क्या पैसे बढ़ाए, हम खुद परेशान हैं, कहाँ से पैसे, हम सामान लेने जाते हैं, जब रुपए की चीज़ लेते हैं वो 10 रुपए की हो गई, जो हालात हमारे साथ हैं भाई वो सबके साथ, हम किसी का नाजायज़ नहीं करेंगे भाई। क्या ये तन पे कपड़े हैं ना, ये अल्लाह ने इज्जत रखी हुई ढके हुए हमने जी, हाँ वक्त के साथ। लेकिन लग रहा है आपकी मुझे शॉप देख के ऐसा हालात महसूस हो रहा है, क्योंकि शॉप पे आप बिल्कुल एक ही कस्टमर है आपके पास ना भाई, क्या वक्त को धक्का देना, महंगाई इतनी हो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा ये बताओ। इलाके की दुकानें, हर आदमी परेशान है, हर दूसरा परेशान है, मैं तो ये देखो जब मैं परेशान हूँ तो दूसरा भी होगा परेशान होता है, ये आपकी अच्छी बात है जी हाँ। तो जो जो भी देता है और भाई ये रख लो, हम चुपचाप रख लेते हैं, क्यों अल्लाह पाक सबकी इज्जत रखे और हमारी भी रखे, आमीन आमीन आमीन। तो अल्लाह पाक का करम है, घर अपना है, दाल चटनी रोटी जो भी मिल जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कोई बात नहीं, ये मसला है बस। और आगे जो महंगाई आ रही है, जो महंगाई का तूफान आने को तैयार खड़ा है, हाँ तो उस पर फारूक भाई क्या है कि क्या करेंगे आप? वक्त हालात से लड़ेंगे भाई, सब लड़ना है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनका तो बस गवर्नमेंट सरमाया चल रहा है, यहाँ से आ रहा है वहाँ से, हम कहाँ से पूरा करेंगे? ये आप लोग की मोहब्बत है जो आप लोग ताउन करते हो हमारे साथ, हमारी हेल्प करते हो, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं आप। अच्छा ये बात बताएं, आप ये महंगाई का कुछ असर आपकी शॉप पे पड़ा, आपके कारोबार पे पड़ा? जी बिल्कुल बहुत पड़ा है, जो शेप बनवाने आते थे, शेविंग करवाने आते थे, दूसरे तीसरे दिन
और वो बेचारे एक महीने में आ रहा है, ऐसा लगता है। मैं बोलता हूँ भाई क्या दाढ़ी रख ली, बोला नहीं फार भाई हालात सही नहीं है, दाढ़ी बढ़ रही है, अब क्या करें। ये जी अच्छा ये मतलब जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप और भाई? बस अपने हर दिन किसको सुनाए, अल्लाह पाक सबकी लाज रखे। बस वक्त और हालात से सबको लड़ना है, ये वक्त भी निकल जाएगा इंशाल्लाह, खुशियों का दिन आएगा। बस हम सबको घबराना नहीं है, समझ रहे हो ना? नहीं, अब तो घबराने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। मिल जानी चाहिए, कब तक नहीं घबराएंगे बता दें आप रईस भाई, कब तक नहीं घबराएंगे? एक ना एक तो घबराना पड़ेगा ना। बिल्कुल, घबरा रहे हैं लोग, अब घबराना शुरू हो गए। घबरा रहा है क्योंकि हर इज्जतदार अपनी इज्जत छुपाए हुआ है, अपने वक्त को हालात से लड़ रहा है। किसके आगे हाथ फैलाएगा बताएं आप मुझे, कौन देगा? अब मैं आपको बोलूँ रईस भाई, मुझे एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपये दे दो, आप देंगे मुझे 5? आप क्यों नहीं देंगे? या ये भी मेरी तरह, मैं क्या क्या मांगू इनसे, क्या लूँ मैं? बस ये वजह रईस भाई, और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हमारे लिए नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह रसूल के पास, अल्लाह रसूल के बाद इंशाल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद हुजरे गौसे पाक हमारी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। हक वारिस या वारिस। जी दोस्तों, आपने देखा होगा, अभी हमने फारूक भाई से बातचीत की है तो उन्होंने सब कुछ ही डिटेल बता दी है कि उनके भी कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। फारूक भाई ये देखें मेरे बराबर में बैठे हैं, अभी मैं इनकी शॉप पे मौजूद हूँ, तो बस अब शॉप से निकलेंगे, घर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फारूक भाई की शॉप है गुलबहार नंबर 2 के अंदर, 400 क्वार्टर के अंदर, तो माशाल्लाह अच्छी हेयर कटिंग करते हैं। आप लोग आए, या लेडीज का भी इंतजाम है हेयर कटिंग का? नहीं, घर पे जाता हूँ कॉन्टेक्ट में। ये घर पे आते हैं, इनका कहना ये है कि मैं घर पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं। ये हेयर कटिंग लेडीज की भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, और मर्दों की भी अच्छी हेयर कटिंग करते हैं, शेविंग है और सब बनवाना है कि बहुत अच्छी। इनका बेटे के भी हाथ में बहुत अच्छा हाथ है बेटे का, वो भी अच्छी कटिंग करता है, जाहिर बाप से सीखा है। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आगे हमारा वीडियो का जो प्रोग्राम है, अगली वीडियो का वो है हमारा फूड का, तो इंशाल्लाह हम किसी फूड सेंटर का दौरा करेंगे और तमाम चीज़ आपको बताएंगे कौन सी चीज़ कैसे बनती है इंशाल्लाह। तो जल्द मुलाकात होगी। अपने भाई रईस वारसी पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।